इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं अमित पाली। इस वक्त की बड़ी खबर, असम में अतिक्रमण करने वालों पर पुलिस फायरिंग के विरोध में कांग्रेस ने असम में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने इस मामले में डायरेक्ट सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पर आरोप लगाया। असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा सहित असम कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के डेलीगेशन ने दरांग के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और डिप्टी कमिश्नर के जरिए राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। दरांग दौरे पर पहुंचे असम के डीजीपी ने मामले की सीआईडी जांच करने का ऐलान किया है। इससे पहले राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस फायरिंग में दो लोगों की मौत के विरोध में असम के दरांग जिले में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन और जमाते उलेमाए सहित कई अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े संगठनों ने 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान बस के शीशे फोड़ दिए गए। बंद की कॉल की वजह से दरांग के कई इलाकों में दुकानें बंद हैं। अब इस झड़प की दिल दहलाने वाली तस्वीर देखिए। दरांग जिले के धोलपुर गोरुखूटी गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए मुहिम चलाई जा रही थी। 10,000 की भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से हमला हुआ और पुलिस की तरफ धारदार हथियार चलाए गए, पथराव भी हुआ। जिसके हाथ जो लगा उसी से उसने पुलिस पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दी। हमला करने वाले वीडियो में साफ साफ देखे जा सकते हैं। पुलिस पर हमले का एक और वीडियो देखिए। हमलावरों की भीड़ में शामिल एक शख्स पुलिस पर हमला करने आगे बढ़ा। बचने के लिए पुलिस वाले भागने लगे। ऑफिशियल फोटोग्राफर भी भागा। इसी बीच हमला करने वाला जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस वालों ने जवाबी हमला किया और हमला करने आए शख्स पर लाठी डंडों की बरसात हो गई। हमला करने आई भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, हवाई फायरिंग की, लेकिन भीड़ जब कंट्रोल में नहीं आई तो बचाव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। दो लोगों की जान चली गई। 8 पुलिस वालों सहित 20 लोग घायल हो गए। 3 घायलों की हालत गंभीर है, जिसमें एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर भी है। झड़प के दौरान आगजनी भी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि झड़प के दौरान कई घरों में आग लगा दी गई, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। दरअसल पुलिस यहां पर अतिक्रमण यानी कि जो सरकारी जमीन है उससे कब्जा हटाने गई थी, लेकिन उस दौरान वहां मौजूद जो उनको हटाया जा रहा था उन लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। झड़प के दौरान एक हैरान करने वाली तस्वीर वायरल हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर जमीन पर गिर पड़ा और उसके ऊपर प्रशासन का ऑफिशियल फोटोग्राफर कूद कूद कर हमला करने लगा। इस फोटोग्राफर पर पुलिस ने एक्शन लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वो सीआईडी की कस्टडी में है। दरांग में पुलिस कार्रवाई पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड कह दिया है। सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। जवाब में विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार ने ध्रुवीकरण साजिश के तहत कार्रवाई की है। सरकार दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रही है। जवाब में विपक्ष का कहना है कि दरांग जिले के एसपी सुशांत विश्वा शर्मा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के सगे भाई हैं, सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने भी इस मामले में असम सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और इसे राज्य प्रायोजित हिंसा बताया जाए। तो राहुल गांधी ने इस मामले में ट्वीट करते हुए कहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, यानी कि सरकार की ओर से प्रायोजित हिंसा है। The eviction operation
in Dholpur under Sipadhar constituency is totally undemocratic. It is more than Hitlery Raj. We strongly condemn the barbarous attack of the police, and this is nothing but a hidden agenda of the BJP government to create polarization in Assam. ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसमें कुछ इस तरह के तत्व शामिल रहे होंगे जिन्होंने इस तरह सरकार के कामकाज को दखल किया या ऐसी बात हुई। पूरी जानकारी आने के बाद उस पर जो टिप्पणी होगी वो आपको वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं जिनको ये करना है वो आपको कहेंगे, लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जाँच होगी और जो लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये सारा विवाद धौलपुर में 5000 साल पुराने शिव मंदिर और गुफा के आसपास के इलाके को लेकर है। मंदिर के आसपास की तकरीबन 30,000 एकड़ जमीन पर बाहर से आकर कब्जा करने वालों ने अतिक्रमण कर रखा है। इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ये लोग पूर्वी बंगाल से आने वाले मुस्लिम बताए जा रहे हैं, यानी बांग्लादेश से आए हुए हैं। इन पर यहाँ के मूल निवासियों से लूट और डकैती करने के आरोप लगते रहते हैं। स्थानीय मुसलमानों से बात कर प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया। लैंड पॉलिसी के तहत विस्थापितों को जमीन देने का वादा किया गया। दो दिन तक अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शांतिपूर्वक चली। 600 हेक्टेयर जमीन खाली भी करा ली गई, लेकिन तीसरे दिन 10,000 की भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया और बचाव में हमला करने वाली भीड़ पर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई असम और असमियों की सुरक्षा के लिए की गई है और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। लेकर के जितना कार्रवाई करना है सब कार्रवाई करेगा, मुख्यमंत्री जी ने करेगा, क्योंकि असम का लोगों ने मुख्यमंत्री जी को ये दायित्व अर्पण किया है, ये अधिकार अर्पण किया है असम को सुरक्षित करने के लिए, असम इसी को सुरक्षित करने के लिए, असम में रहने वाला को सुरक्षित करने के लिए जितना कदम रखना है वो कदम रखने के लिए असम वासियों ने उनको दायित्व अर्पण किया है। मेरा हिसाब है जो वो अगले दिन आइन को लेकर के आगे बढ़ेगा। आइन उनका साथ है, पब्लिक उनका साथ है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुमार सोनू जुड़ गए हैं जो दरांग असम में मौजूद हैं। सोनू, फिलहाल वहां पर किस तरह की स्थिति है? सरकार की ओर से क्या वहां पर कोई पहुंचा है और प्रशासन की ओर से फिलहाल उस इलाके में क्या किया जा रहा है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। हालांकि फिलहाल अभी पूरा मामला जो है शांत है, किसी तरीके की कोई हिंसा की कोई कॉल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी हिंसा हुई उसमें राज्य सरकार इस तस्वीर साफ कर चुकी है कि न्यायिक जांच कराई जाएगी गुवाहाटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। तो वहीं जो असम के डीजीपी हैं उनका ये कहना था कि सीआईडी जांच जो है इस पूरे मामले की निष्पक्ष कराई जाएगी ताकि दोषियों को बख्शा ना जाए। मैं आपको बता दूं, इस पूरे घटना में 16 तो जो है सिविलियन घायल हुए हैं और दो लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 9 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और जिनमें से 2 तो बेहद गंभीर गुवाहाटी में एडमिट है, तो जहां पर वो लोग जिंदगी और मौत के बीच में की जंग लड़ रहे हैं। तो ये जो तस्वीर थी, मैं आपको इसमें बताऊं कि तकरीबन 35,000 बीघा जमीन का ये पूरा विवाद था जो कि सरकारी जमीन थी और सरकार की तरफ से कई बार नोटिस भी दिया गया यहां पर, जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था उनको कई बार कब्जा खाली करने के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन बावजूद इसके वो जमीन से नहीं हटे। जिसके बाद जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद लेते हुए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला था तो ऐसे में पुलिस की मदद लेते हुए वहां पर बुलडोजर चलाया, जिसके बाद जो पूरा 35,000 बीघा जमीन थी उसको 4 जोन में जो है जिला प्रशासन ने बांटा था ताकि कार्रवाई आसान हो सके और जल्द से जल्द अवैध कब्जा हटाया जा सके। लेकिन 3 जोन में किसी तरह की कोई हिंसा की कॉल नहीं हुई, लेकिन सिर्फ 1 ही जोन में जो है यह कार्रवाई हुई, जिसमें सबसे पहले पुलिस बल के ऊपर पथराव किया गया, जिसमें असम पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान वहां पर थे और उन पर जब पथराव हुआ तो पुलिस ने भी रिटेलिएट किया और जिसमें गोली भी चली जिसकी वजह से 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। फिलहाल अब पूरी मामले की जो है न्यायिक जांच की बात की जा रही है, लेकिन पुलिस का कहना है और सूत्रों का भी हमारे लिए कहना है कि
जो 35,000 बीघा जमीन का कब्जे का जो पूरा मामला था उसमें तकरीबन 90% जमीन को खाली करा लिया गया। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से 1,000 बीघा जमीन का एक ऑप्शन इनको दिया गया था, जिन्होंने अवैध कब्जा सरकारी जमीन पर किया हुआ था कुछ दूरी पर ही, महज कुछ दूरी पर जो जमीन थी अवैध। सोनू, बहुत अच्छी तरह से आपने बात को समझाया कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था, कि किस तरह से वहां पर पहले बताया गया था कि जो कब्जा किया वो जमीन हटा दीजिए, तीन जोन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आखिरी जोन में क्यों इस तरह से हिंसा हुई, इसको लेकर आगे की जांच की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।